वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस हम लोग की पैकिंग हो चुकी है सारी और अभी हम लोग की फ्लाइट है दिल्ली से जम्मू के लिए। तो अभी हम लोग उसकी पैकिंग कर रहे हैं और अभी बज रहे हैं 4 बजने वाली है। तो हम तो गाइस हम लोग कैब बुक करके एयरपोर्ट जाएंगे, फिर एयरपोर्ट से हम लोग की फ्लाइट है तो हम लोग को थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। तो गाइस हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पे भी मतलब रात ही हो गई है और अभी हम लोग की कैब आने वाली है। मछली को खाना दे रहा है। तो गाइस हम लोग की फ्लाइट थी सुबह 7:30 की और इस समय हम लोग बस पैकिंग करके मॉर्निंग में 5 या 5:30 बज रही थी तो ही निकल रहे थे। और कैब भी हम लोगों ने बुक की थी तो कैब भी आ चुकी थी तो हम लोग ने तुरंत सब कुछ पैक किया, घर लॉक किया और बस अब जा रहे हैं। देखा मेन चीज़ बाद में देखते हैं कि नहीं है। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं, ये देखो ये ऐसे ही लोग होते हैं जो वॉलेट घर से बाहर निकलने के बाद देखते हैं। बोलते तो गाइस हम लोग की कैब आ चुकी है और बस अभी हम लोग कैब में बैठने वाले हैं। और गाइस दिल्ली में तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब मौसम को तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था क्या है, इतनी तेज़ बारिश। पहले जब हम लोग निकले थे कैब से तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी क्योंकि हम लोग गाज़ियाबाद में थे और जैसे ही हम लोग दिल्ली में एंटर किए बस बारिश ही बारिश, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और पानी तो बहुत ही ज़्यादा भर चुका था रोड पर भी। तो अभी बस हम लोग एयरपोर्ट पहुँचने ही वाले हैं। एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और मतलब फ़्लाइट तो हम लोग की शायद 7:30 ऐसा समथिंग थी लेकिन हम लोग टाइम से पहले पहुंच चुके हैं। चलो कि नहीं आए, चलो अभी यहाँ पे चेक इन होगा, यहाँ पे चेक इन है। अब यहाँ पे हम लोग को सामान रखना अपना सारा, क्या क्या रखना है बताओ, मोबाइल वगैरह सब रखना पड़ेगा ना यहाँ पे। मोबाइल वगैरह सब कुछ रखना है ना, बोर्डिंग पास है ना इसमें, बोर्डिंग पास भी है। क्या हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं? चलो हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। वाओ यहाँ से भी तो टी शर्ट्स वगैरह मिलती हैं। वाओ पर्स वगैरह भी है देखो। चलो साथ में कर लेंगे ना थोड़ा जैसे।
ट्रिप। तो गाइस हम लोग अपने फ्लाइट में बैठ चुके हैं और बस अब देखिए बाहर का व्यू जस्ट टेक ऑफ करने वाली है हम लोग की फ़्लाइट और अभी रनवे पे है। सो अभी हम लोग ज़्यादा नहीं एक या डेढ़ दो घंटे लगेगा, मैक्सिमम 2 आवर्स लगेंगे और हम पहुंच जाएंगे जम्मू और जम्मू पहुंच के आपसे मिलते हैं। अभी बस हम लोग अपने सामान का अपने लगेज का वेट कर रहे हैं, अभी हम लोग का लगेज आ जाएगा। तो गाइस हम लोग जम्मू पहुंच चुके हैं और हम लोग ने सबसे पहले ही उतरते ही एयरपोर्ट पे ही सिम ले लिया था। सिम अराउंड हम लोग को 450 की पड़ी है, लेकिन आप बाहर कहीं लोगे तो आपको ये सस्ती पड़ जाएगी 300 समथिंग की। गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू एयरपोर्ट और अब यहाँ से हम लोग बस स्टैंड जाएंगे और बस स्टैंड से फिर बस करेंगे कटरा के लिए। तो चलिए अभी बस स्टैंड चलते हैं। ये जम्मू एयरपोर्ट है, ये देखिए ये दोनों कुली नंबर 1 कुली नंबर 2। अब आई ना गर्मी, कह रहे थे हम गर्मी है यहाँ। चश्मा तीनों ने लगा लिया चश्मा। चलो अभी ओ। आप ले लो अपने में से ना। अरे हम अपनी ही बना रहे हैं, मना नहीं है, वो उधर था मना, यहाँ पे फ्लाइट वहाँ पे मना था। ये देखो एयरपोर्ट, टैक्सी का 1800 रुपये और 2200 रुपये है जम्मू से कटरा का। तो अभी हम लोग बस की तरफ जा रहे हैं, बस करने जा रहे हैं क्योंकि टैक्सी बहुत महंगी पड़ रही है, बहुत महंगी है, 1800-2200 रुपये। ये शेयर है क्या कटरा? तो गाइज़ अगर आप टैक्सी करते हो तो आपको बहुत महंगी पड़ जाएगी, अराउंड 2200 की कटरा मतलब जम्मू तक की। तो अभी हम लोग बस स्टैंड जा रहे हैं और ऑटो किया, ऑटो में 300 लगा है हम लोग का, पर पर्सन 100 रुपीज़ लगा और हम अभी बस स्टैंड जा रहे हैं, फिर वहां से हम लोग जम्मू के लिए बस देखेंगे। तो अभी चलते हैं बस स्टैंड। हम लोग पहुँच चुके हैं बस स्टेशन और अब यहां से जो भी कटरा के लिए बस जाएगी उसको करेंगे। तो गाइज हम लोग बस स्टैंड यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ पे थोड़ा लगेज हम लोग खड़ा करते हैं, मतलब लगेज रखेंगे और मैं देखूँगी लगेज और ये दोनों जा रहे हैं पता करने कि बस कितने बजे जाएगी और उसका प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें। और अभी आपको वीडियो में आगे सारी चीज़ें मतलब शूट भी दिखेंगी जो कि क्या प्राइस होता है आपको अगर मतलब बस स्टैंड से जम्मू कटरा जाना है तो क्या प्राइस है वहाँ का। फ़िलहाल मतलब टैक्सी से तो बेटर है कि अगर आप बस अच्छी बस मिल जाती, स्लीपर बस भी मिलती है, आप सो के भी जा सकते हो और सीटिंग भी मिलती है। तो अगर आप बस करना चाहो तो बस आपके लिए बहुत ही अच्छी रहती है और आप वहाँ पे जाओगे। देखिए टाइमिंग है बस का, तो इतने इतने बजे बस वहाँ से जाती है और सीधे आपको कटरा ही उतारती है, जो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 2-2.5 घंटे लगता है कटरा पहुँचने में। और तो गाइज़ हम लोग को बस मिल चुकी है और अभी हम लोग बस जा रहे हैं कटरा, और कटरा अभी जैसे ही हम पहुंचेंगे वहां का वीडियो आपको दिखाते हैं। अभी चलते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।